हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राहत बचाव कार्य जोरों पर है। पिछली रात भी हमारे प्रशासनिक अधिकारी बचाव कार्य में लगे हैं। मैं अभी प्रभावित इलाके में जा रहा हूं, निश्चित रूप से नुकसान हुआ है और सबसे बड़ा नुकसान हमें जो लोग छोड़कर गए हैं उनका है। जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनकी बॉडी को निकालने का काम किया जा रहा है। 49 के करीब लोग लापता है और आज मौसम थोड़ा साफ हुआ है। हमारा मुख्य लक्ष्य फंसे हुए लोगों को बाहर निकालना है। देखिए, राहत एवं बचाव कार्य पूरे जोर पर है। पिछली रात भी हमारे प्रशासनिक अधिकारी और जो हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर जगत नेगी जी है, वो पूरी रात बचाव कार्य में लगे रहे और अभी मैं जहां सबसे ज़्यादा मिसिंग हुई है मैं उसमें अभी मैं जा रहा हूं। और अगर धूप निकलेगी तो और प्रशासनिक जो बचाव कार्य है उसको हम और अधिक तेज़ी से करेंगे। निश्चित तौर पर नुकसान हुआ है, सड़कें, पुल और पानी की योजनाएं, सिंचाई की योजना सब बह चुकी है। लेकिन इन सबसे भी बढ़कर जो जीवन लीला जिन साथियों की जो समाप्त हुई है और हमें छोड़कर चले गए हैं, उनकी डेड बॉडीज़ को निकालने का कार्य तभी किया जा सकता है जब धूप निकलती है। और NDRF की टीमें भी है, सेना की टीम भी लगी हुई है, पुलिस की टीम भी लगी हुई है और हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर जो है वो हाँ अभी स्पॉट पर भी है। अभी भी सर 49 के आसपास मिसिंग है। हाँ, अभी 49 के करीब मिसिंग है, पर और भी कुछ सूचनाएं आई है। लेकिन भगवान का शुक्र है कि पिछली रात से कोई क्लाउड बस्ट नहीं हुआ है और आज थोड़ा सा मौसम खुला है तो और युद्ध स्तर पर हम इस कार्य को कर रहे हैं। नहीं, निश्चित तौर पर अभी तो हमारा मेन उद्देश्य तो है कि जो जाने चार अभी लोग फंसे हुए हैं उनको हमने बचाने की सवेरे से प्रयास किया था। कल वो निकल नहीं पाए थे, आज हम उनको निकालने की कोशिश कर रहे हैं और जो डेड बॉडीज डेब्रिस में दबी हुई है उनको निकाला जाए। और भगवान से ये है कि अभी बारिश नहीं आ हो तो हम क्लाउड बस्ट वाले जो एरिया है उसमें हम समीक्षा भी कर रहे हैं कि आगे हमने कैसे इस चुनौती को लड़ना, जो बरसात देर से शुरू हुई है। तो मेरा मानना है कि इस दृष्टिकोण से हम इस लड़ाई को